gidiyor yarınım, gidiyor evvelim, yaşamım sebebim gidiyor. Aapko kahan jana hai madam? Mujhe nahi pata. Sen gidiyorsun. Kahin bhi, par main is jagah se dur jana chahti hu. Kalıyor astıma sinmiş kokun, kalıyor sevişmelerimizin son şahidi. Sen gidiyorsun. Main pregnant hoon. Gitmek tüm kalanları yanında götürmekmiş, ben bilmem sen bilirsin elbet. Sen gidiyorsun. Dur, dur, gitme bir bakış, borcun var bana son gidişinden. मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ हयात, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे ना? Yaşamım sebebim gidiyor ama hepsinden önce sen gidiyorsun. Kalıyor yastığıma sinmiş kokun, kalıyor sevişmelerimizin son şahidi. Sen gidiyorsun. Gitmek tüm kalanları yanında götür. Ben bilmem sen bilirsin elbet. Sen gidiyorsun. Dur, dur, gitme bir bakış, borcun var bana son gidişinden. मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग बेटा। दादी जान, ये आपने क्या कर दिया, कहीं मैं जन्नत में तो नहीं आ गया? अच्छे खाने के साथ अच्छी भूख भी चाहिए, काश मुराद भी होता यहाँ। वैसे भाई अकेले नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होंगे। क्या बात कर रहे हो, कौन? ओहो दादी जान, मैं बस मजाक कर रहा था। वो काम कर रहे होंगे, उसके अलावा कुछ आता है उन्हें? वो एक सेमिनार में गए, उसी की बात कर रहा था। गलत इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास, तुम्हारा भाई सेमिनार में नहीं गया, डैड ने बताया। ऐसी बात है, लेकिन क्यों? उन्होंने तो कहा था जाना जरूरी है। मुझे भी इतना ही शौक लगा था, लेकिन फोन पर उससे ज्यादा कुछ पूछ नहीं पाया, अजीब लहजे में बात कर रहा था। बहुत बढ़िया, अब तो मेरे हाथ एक अच्छा मौका लग गया है, उन्हें कॉल करना तो बनता है। हाँ, ये तो तुम्हारा हक है।
देखते हैं जो तुम्हें हमेशा लेजी कहता है वो खुद का बचाव कैसे करता है। अब देखना बहुत मजा आने वाला है। ऐसा तो कभी होता नहीं था, उनका फोन बंद आ रहा है। लेकिन मुराद कभी फोन बंद नहीं रखता। हाँ दादी जान, मैं खुफिया जासूस की तरह हूँ। बस ब्रेकफास्ट खत्म करके जाकर जल्दी सब कुछ पता लगा लूंगा। मुझे उस साइको मुराद से बिल्कुल ऐसी उम्मीद थी। हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं उसने क्या किया है। हयात बस रोई जा रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें क्या लगता है वो क्यों रो रही थी? हो सकता है वो खुशी के आंसू हो। वो मुराद के साथ अपना वीकेंड बिताने वाली थी तो हम अचानक उसे लेने क्यों जा रहे हैं? शायद वो हमें मिस कर रही होगी। आखिरी सवाल, वो समुंदर किनारे अकेली क्यों है? शायद वो नजारे का मजा ले रही होगी। उफ ये लड़की भी। मेरा सच्चा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारे इन बकवास मासूम झूठे ख्वाबों के आगे कभी नहीं टिक पाएगा। चलो मेरी माँ चलो। तुम देख लेना, मुराद ने जरूर उससे अपना प्यार का इजहार किया होगा और उसने उसे बहुत बड़ी डायमंड की रिंग भी पहनाई होगी। पागलों जैसी बात मत करो, इतना भी हुआ नहीं होगा। उफ ये लड़की भी, कोई नॉर्मल इंसान मेरे आसपास क्यों नहीं होता? स्पेशल रेसिपी है खास तुम्हारे लिए, लो ट्राई करो इसे। ओह तुम्हें तो पसीना आ रहा है। ओ डियर। शुक्रिया मोहतरमा। अभी भी मोहतरमा ही कहोगी मुझे? मेरे हैंडसम मालिक, तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए क्या अब मुझे पाम ट्री बनना पड़ेगा क्या? और मैं इन पौधों की तरह बन जाऊं तो क्यों तुम मेरा भी ख्याल रखोगे? टुवाल। ऑफ गॉड, दो पल भी कोई मुझे रोमांटिक नहीं होने देता। अपना आईडी दिखाओ चलो। किस लिए? क्योंकि अब ये घर घर नहीं रहा, होटल बन गया है। क्या ये कोई पब्लिक प्लेस है या कोई 5-स्टार होटल है? तुम्हारा रोज यहाँ क्यों चली आती हो? हाँ, तुम्हारा अपना खुद का घर है या नहीं? अपने घर जाओ। हाँ है ना, पर वहाँ पर तुम जो नहीं हो। मैं कसम से चारों ओर अलार्म लगा दूंगी, जब भी तुम आओगी सारे लोहे के दरवाजे बंद हो जाएंगे। आखिर किस लिए मेरी जान खाने आई हो तुम? Love's an anlamar.